नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के अग्रवाल आप सभी का ज्योतिष सुख समृद्धि उपाय में स्वागत करता हूं और आप लोगों से मिल रहे प्रेम का दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कर्क राशि के जातकों के बारे में। तो यह वीडियो केवल उन्हीं जातकों के लिए है जिनकी चंद्र राशि कर्क है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 12 अप्रैल 2022 बुधवार को गुरु स्वराशि मीन में पूर्वा भाद्रपद चरण 4 में गोचर करेंगे। गुरु का यह राशि परिवर्तन कर्क राशि पर कैसा प्रभाव देगा, इस पर मैं वीडियो दे चुका हूँ। आज बात आती है कि हर वर्ष गुरु लगभग 120 दिन के लिए वक्री चाल से चलते हैं, तो अपनी वक्री चाल से चलते हुए 28 जुलाई 2022 की रात्रि में उत्तरा भाद्रपद चरण 4 से वक्री होना आरंभ करेंगे और 24 नवंबर 2022 को पुनः सुबह मार्गी होंगे। तो बात आती है जब गुरु 120 दिन के लिए वक्री होंगे तो कर्क राशि के जातकों पर कैसा प्रभाव डालेंगे। देखिए, गुरु शनि व राहु ऐसे तीन ग्रह हैं जिनका राशि परिवर्तन जातक पर गहरा प्रभाव डालता है। तो गुरु का यह परिवर्तन वक्री होना बहुत महत्वपूर्ण है जो 28 जुलाई 2022 की रात्रि में होने जा रहा है। वक्र का अर्थ है पीछे जाना, यानी कि रेट्रो। परंतु कोई भी ग्रह पीछे तो जाता नहीं, ऐसा प्रतीत होता है। और वक्री ग्रह के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप लोग मेरे चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। परंतु अब समय ना लेते हुए मैं यह बताना चाहूँगा कि कर्क राशि पर वक्री गुरु का प्रभाव 120 दिन क्या पड़ेगा। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ गुरु का वक्री होना आपके लिए क्या लेकर आया है। जैसा कि आपको पता है कि गुरु संतान, धन, विद्या, भाग्य, सुख, समृद्धि, शिक्षा, उच्च शिक्षा, शांति के कारक हैं और तो और भाई और पिता के भी कारक हैं। यदि हम कर्क राशि के लिए बात करें तो आप जातकों के लिए यह परिवर्तन एक शुभ घटना नहीं है, क्योंकि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो अपने घर के साथ साथ पिछले घर का भी फल देता है। कर्क राशि के जातकों की कुंडली में गुरु नवम भाव में वक्री होंगे तो अपने से एक घर पहले अष्टम भाव का भी फल देंगे। अब यदि हम अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव में गुरु का गोचर शुभ नहीं होता। केवल गुरु का गोचर चंद्र राशि से दूसरे, पांचवें, सातवें, नवें, ग्यारहवें भाव में शुभ फलप्रद होता है, बाकी अन्य भावों में शुभ फलप्रद नहीं होता। और जब गुरु का गोचर छठे और आठवें भाव में जाता है तो बहुत अशुभ फल प्रद होता है, अच्छे परिणाम नहीं देने वाला होता है। बाकी यह भी बहुत निर्भर करता है कि कुंडली में गुरु की क्या स्थिति है। नवम भाव में गुरु का गोचर अच्छे फल देने वाला है। 12 अप्रैल 2022 से 28 जुलाई 2022 तक गुरु का नवम भाव में गोचर शुभ फल प्रद है। परंतु जब 28 जुलाई 2022 को गुरु वक्री होंगे तो वह आठवें भाव के भी फल देंगे। ऐसे में जातक कुछ बंधन महसूस करेगा, कार्यस्थल पर कूटनीति का शिकार होगा। कठोर वचन बोलने के कारण जातक को तिरस्कार प्राप्त होगा। पराक्रम की धन की हानि होगी। नौकरी करने वाले जातकों को कार्यस्थल पर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। धन व्यापार में भी कुछ हानि उठानी पड़ेगी। शारीरिक कष्ट बढ़ सकता है।
यात्राएं करनी पड़ेंगी व्यर्थ की, और उन यात्राओं में कष्ट मिलेगा, लाभ प्राप्त नहीं होगा। संतान को लेकर भी जातक दुखी रह सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुरु उत्तराभाद्रपद चरण 4 से वक्री होना आरंभ करेंगे, तो उत्तराभाद्रपद की राशि मीन होती है। मीन राशि के स्वामी स्वयं गुरुदेव हैं, जबकि नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं। उत्तराभाद्रपद नक्षत्र को संतुलित नक्षत्र माना गया है, तो जातक को संतान, परिवार, जीवन साथी के प्रति चिंता बढ़ेगी। कोई पुरानी बात जो टल चुकी थी वो पुनः लौट कर आएगी, जो चिंता का कारण बनेगी। अध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ेगा और आलस्यता दूर होगी, परंतु इस समय आप लोगों की मेहनत बढ़ेगी। आप विपक्ष को बुद्धिमत्ता के बल पर जीत सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कार्यस्थल पर कूटनीति से बचें। परंतु कर्क राशि के जातकों के लिए एक बात अच्छी होने वाली है कि शनि 4 जून 2022 को वक्री होने वाले हैं। तो जब यह कुंभ राशि में रहते हुए वक्री होंगे तो सप्तम भाव के फल देंगे, और सप्तम भाव में शनि का गोचर तांबे के पांव पर होता है। तो तांबे के पांव पर शनि का गोचर, सोने तांबे के पांव में प्रवेश करना अच्छा माना जाता है। तो गुरु की यह विडंबना जो आपको प्राप्त होगी, क्योंकि गुरु का वक्री होना आपके लिए अनुकूल नहीं है, परंतु शनि का वक्री होने से परिस्थितियां बहुत ज़्यादा खराब नहीं होंगी। शत्रु बनेंगे, परंतु शनि शत्रुओं का नाश करेंगे। शनि आपके कार्यों को बहुत ज़्यादा बिगड़ने नहीं देंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। बस यही बताना चाहूँगा कि इन 120 दिनों में आप जातक बहुत सतर्क रह के, सावधान रह के कार्य करें, तो इन 120 दिनों से आप बच सकेंगे, निकल जाएंगे इस प्रतिकूल परिस्थिति से। साथ ही यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब करें, ऑल पर क्लिक करें, ताकि सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही यदि आप घर बैठे अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो मैंने संपर्क सूत्र दिया है, आप छोटा सा शुल्क अदा करके यह सुविधा पा सकते हैं। बात आती है कि उपाय क्या करें, तो आप जातकों को एक सलाह दी जाती है कि आप बृहस्पतिवार को केले के पेड़ की जड़ में जल, चने, हल्दी, किशमिश का दान दें, घी का दीपक जलाएं, और हो सके तो इन 120 दिनों में जितने भी गुरुवार आए उनमें आप बृहस्पति देव महाराज के दर्शन करने अवश्य जाएं। साथ ही शनि महाराज को खुश करने के लिए, क्योंकि शनि वक्री अवस्था में आपको कई जगह से बचाएंगे, शनि देव महाराज के दर्शन करें, उनको 12 बादाम और 80 ग्राम तिल भोग के रूप में चढ़ाएं और अपने लिए प्रार्थना करें। इजाज़त चाहूँगा, धन्यवाद, जय श्री राम।